हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पारसनाथ करियर स्टैंड। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसके झा सर का साइंस टेस्ट नंबर 1, ठीक है, जो कि आप लोग का बहुत ही डिमांड था कि मैम एसके झा सर का साइंस का टेस्ट का पीडीएफ करवा दीजिए। तो आज हम लोग उसी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग फटाफट से सीजन में ज्वाइन हो जाइए और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। सब लोग देखेंगे, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसमें गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो देखिए, ऑप्शन से गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में या फिर ऊष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बी करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, स्टील जंगरोधी बनाता है। सब लोग देखेंगे, स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन जो है वो स्टील को जंगरोधी बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे सब लोग, उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र है। सभी लोग बताएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2u sin θ/g, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखेंगे, अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। करेक्ट आंसर है 45 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है तो प्रत्यास्थक गुणांक का मान क्या होगा। यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 0.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि। देखिए, संवातक जो है वो कमरे की छत के निकट इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 है तथा कॉस्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकिक भार क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखेंगे, सिलिका जेल क्या है, आद्रता प्रदायक, सुवाशकारी तत्व, सुखाने वाला पदार्थ या फिर स्वादिष्ट भोजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुखाने वाला पदार्थ है सिलिका जेल। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब हम मार्केट से कोई बॉटल्स वगैरह लाते हैं तो उसमें अंदर में सिलिका जेल की एक छोटा सा पैकेट होता है, तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस बॉटल में या डब्बा जो भी है उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। तो देखिए, गर्भाशय में भ्रूण को जो पोषण प्रदान करने वाला ऊतक होता है वो होता है प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है। रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा सदैव बाहर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, अंडकोश में, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि या वीर्य पुटिकाओं में। तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वृषण में, शुक्राणु जो है वृषण में बनते हैं, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखेंगे, शराब पीकर वाहन चालन के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करती है पुलिस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या अजगर? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजगर जो है ये जहरीला सांप नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ठोस है? F2Cl2Br2 या I2? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा I2 जो है ये एक ठोस पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति या अवतल दर्पण की भांति? तो करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है पानी में हवा का बुलबुला। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन गैस की 0.5 मोल का आयतन क्या होगा? ऑक्सीजन गैस की 0.5 मोल का आयतन क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 11.2 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा? सब लोग आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा? करेक्ट आंसर है 134.4 लीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? सब लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।